वसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ अनिखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। शहरों में रहकर विकास की बात करें हैं कभी आइए गांव में, शहरों में रहकर विकास की बात करें हैं कभी आइए गांव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को कुछ दिन बिताइए गांव में। स्वतंत्र लेखक हूँ, लिखूंगा ही, जिनकी सरकारी होगी उन्हीं के, अगर वो गलत करते हैं उन्हीं के खिलाफ लिखूंगा, कोई एक पार्टी के खिलाफ नहीं लिखूंगा, सरकारी बदलेगी फिर भी उनके खिलाफ लिखूंगा। फिर से शर्मनाक हुई धरती फिर से मचा हाहाकार, फिर से शर्मनाक हुई धरती फिर से मचा हाहाकार, फिर से मारी गई एक बेटी फिर से पिता हुआ लाचार। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे युवा साहित्यकार से रूबरू करा रहे हैं जो प्रभा पंचायत फारबिसगंज प्रखंड अररिया जिले के रहने वाले हैं। प्रभा पंचायत जो एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, वहां की हालात, वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनको देखते हुए गौतम केसरी ने साहित्य की दुनिया में कदम रखा है। हालांकि उनकी रुचि बचपन से ही थी लिखने की, लेकिन वो 5 साल से सक्रिय हैं। तो सबसे पहले हम एडिशनल टॉक्स कार्यक्रम में हम गौतम केसरी का हार्दिक स्वागत करते हैं और जानकारी लेते हैं उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। सबसे पहले एडिशनल टॉक कोसी अलग न्यूज़ को धन्यवाद है इस मंच पे मौका देने के लिए। जी, गौतम केसरी के बारे में आपको हम बता दें कि रायपुर में 2023 में उन्होंने भारत के जो सुप्रसिद्ध एक्टर बॉबी देओल हैं उनसे पुरस्कृत हो चुके हैं। वहाँ पर साहित्य जो उन्होंने लिखा है, लेखनी लिखी है, वहाँ उन्होंने प्रमोशन भी किया अपने बुक का और तमाम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं कुछ कविताएं आपसे। मैं एक बहुत छोटी से गांव प्रभा पंचायत से हूँ, तो मैंने अपने गांव पर एक छोटी सी कविता लिखी है, पहले मैं वो सुनाता हूँ। शहरों में रहकर विकास की बात करें हैं कभी आइए गाँव में, शहरों में रहकर विकास की बात करें हैं कभी आइए गाँव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को कुछ दिन बिताइए गांव में। दो रोटी कमाने के लिए लोग दिन रात खता करते हैं, कभी वो भी ना मिले तो भूखे पेट सो जाया करते हैं। देखिए माओ की लाचारी को दिल पिघल जाएगा, देखिए माओ की लाचारी को दिल पिघल जाएगा, छोटे छोटे बच्चों की बीमारी को दिल दहल जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें हैं मरते हैं लोग अस्पताल के अभाव में, टेक्नोलॉजी की बात करें हैं मरते हैं लोग अस्पताल के अभाव में, कभी आइए गांव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को कुछ दिन बिताइए गांव में। क्या बात है, कभी आइए मेरे गांव में, मतलब प्रभा गांव में, प्रभा पंचायत में जो गांव है उनकी बात कर रहे हैं उस गांव में आने की। हालांकि क्या नेता वहां नहीं आते हैं जो आप ये जो कविताओं में जो लिखे हैं अस्पताल की बात की है? बिल्कुल, एक तो ये मेरा ही गाँव नहीं है, हमारे जैसे कई गाँव होंगे जहाँ मतलब जहाँ तो सरकारी बनती है नेताओं का मतलब अपना सिंहासन तो नहीं, लेकिन आपने जो अपने बारे में लिखा है वहाँ के माहौल को देखा है बिल्कुल, तो ऐसी बात लग रही है कि कभी तो आइए मेरे गांव में, यानी कि कोई नहीं आपके गांव में आ रहे हैं, कोई सरकारी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आपने ये लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी कभी ध्यान नहीं देती है, अभी हमारे प्रभाव पंचायत में सड़कों पर पानी लगी रहती है उस पर तो वो ध्यान नहीं देते, सड़कें नहीं है, अस्पतालें नहीं है, अस्पतालें की दयनीय स्थिति है। अच्छा, बहुत खराब स्थिति है। चलिए, और भी कौन कौन सी कविताएं हैं जो आपने लिखी है? बहुत सारी कविता है, और एक कविता तो मैंने एक साल पहले लिखी थी साक्षी हत्याकांड पे, अभी भी ऐसी घटनाएं हमारे गांव शहर बिहार में हो ही रही है, तो उन पे एक कविता है। फिर से शर्मनाक हुई धरती फिर से मचा हाहाकार, फिर से शर्मनाक हुई धरती फिर से मचा हाहाकार, फिर से मारी गई एक बेटी फिर से पिता हुआ लाचार। बेटी का फिर लहू बहा है कातिलों के खंजर से, दिल्ली वाले तमाशा देख रहे थे सियासत के अंदर से, शासन कब धसेगा शिकंजा अपराधों के इन पैमानों पर, क्या इसी तरह मारी जाएगी बिटिया इन झूठे अरमानों पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए गौतम जी, ये बताइए कि आप रायपुर गए थे जी, बॉबी देओल से आप वहाँ पर पुरस्कृत भी हुए हैं जी, तो वहाँ पर कौन सी कविता का आपने विमोचन किया वहाँ? मैंने अपनी किताब का विमोचन किया। अच्छा, किताब का किया, कौन सी किताब? दर्पण एक सच जी। उसमें ऐसी क्या बात थी, क्या खास बात है उसमें? उसमें बहुत सारी कविताएं कहानियां जो हमारे समाज पे ही है, मेरे गांव और भी जितने गांव है उन तरह की समाज में किसान की क्या दयनीय स्थिति है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक छोटे से व्यवसायी है जी, व्यवसाय दुकान है। अच्छा, ये फिल्मी दुनिया में जो आशुतोष राणा है, आप जान रहे हैं बॉलीवुड एक्टर हैं, नेगेटिव रोल करते हैं लेकिन अंदर से बहुत पॉजिटिव हैं और साहित्यकार हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ,
जब से मैंने उसे देखना शुरू किया मैं एक अलग एनर्जी मिलती है मुझे। इसलिए मैंने भी अभिनय सीखा है, मुझे भी एक्टिंग में रुचि है, वो भी एक अभिनेता है, साहित्यकार मैं भी हूँ, उन्होंने भी साहित्य में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैंने उसे आज से कुछ साल पहले एक जगह सुना था, जब वो रश्मि रथी का एक तृतीय सर्ग है उसकी एक कविता सुना रहे थे, तब वो कविता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ अनिखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या बात है। चलिए, आपने जो कविता बताई, कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, ये प्रेरणा मिलती कहाँ से आपको ये सब लिखने की? ये सब अपने साहित्य को पढ़ने से, इस समाज को देखने से। और ये कब लिखते हैं और कितने समय में एक कविता को पूरी करते हैं आप? जब मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो मैं लिखता हूँ। कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी टाइम भी लगता है, कभी अधूरा लिखा फिर उसको दूसरे दिन पूरा करता हूँ। जैसे कि दर्शकों, हम लोग के मन में भी विचार आते हैं कि कुछ लिख दें, आपके भी मन में आते होंगे। जब आते हैं, जब तक लिखने जाते हैं तब तक भूल जाते हैं, तो फिर जैसे आपके मन में आ रहे हैं तो उसको फिर कैसे याद करके लिखते हैं? मैं इतने सालों से लिख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इसमें प्रैक्टिस हो गई। जब मैं लिखता हूँ तो मैं बस अब अपने विचारों को ही नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अच्छे से लिखा, जब वो कविता बन जाती फिर उसको देखता हूँ कि कुछ पंक्तियों में कोई जैसे जो जो भी भाव आते हैं उसको आप लिखते हैं, बिल्कुल बाद में उसको पूरा पैराग्राफ करते हैं। मेरा लिखने का एक और तरीका है कि मैं समाज को देखता हूँ, मतलब जो जिसके साथ जो चीज़ें हो रही है मैं उसी को लिखता हूँ। अब मैं एक अलग साहित्यकार बन गया हूँ तो मैं अपने से ज़्यादा दूसरे की चीज़ों को लिखता हूँ। आज के समय में जो आप देख के लिखते हैं, आज के समय में तो काफ़ी कुछ हो रहा है। अभी बिहार में काफ़ी पुल गिर रहे हैं। जी जी, तो आपकी कविताओं में कुछ ऐसी बात है लिखा है आपने? उस पर मैंने एक व्यंग लिखा था, बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तो लिखा था, घोटाले पे घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा है। बकरा नदी का बोल था, घोटाले पर घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा है। जब खाने वाले इतने बकरा हो तो बकरा पुल कैसे रह पाएगा, भ्रष्टाचार के बहाव में आकर नदी में धाराशाही हो जाएगा। सरकारों की लापरवाही है, कौन इसका जिम्मेदार होगा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट बैठे हैं, किसका ये व्यापार होगा। क्या बात है, बकरा की आपने बात कर दी है, बकरा का मतलब हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कहाँ इशारा है। अच्छा, ये सब जो लिखते हैं तो जो सरकार में जो प्रतिनिधि बैठे हैं या जो भी दल के नेता हैं, कभी आपको बोले ये सब क्या आप लिख रहे हैं? हाँ, जब मैं बहुत फेमस हो जाता तो शायद वो बोलते, तभी भी मेरा एक ही जवाब होता, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं कोई नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ, जो मैं नहीं लिखूँ, स्वतंत्र लेखक हूँ, लिखूँगा ही, जिनकी सरकारी होगी उन्हीं के, अगर वो गलत करते हैं उन्हीं के खिलाफ़ लिखूँगा, कोई एक पार्टी के खिलाफ नहीं लिखूँगा, सरकारी बदलेगी फिर भी उनके खिलाफ़ लिखूँगा। चलिए, आपने अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से, आगे जो आपका भविष्य होगा किस क्षेत्र में होगा, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? ये साहित्य और अभिनय के क्षेत्र में। और जो आज के युवा पीढ़ी हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई रेलवे में जाना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट में जाना चाहते हैं, मगर ये जो अलग विधा आपने चुनी है, क्यों ऐसा हुआ? 5 साल में से क्या बदलाव हो गए कि आप साहित्यकार बनने में लग गए? मुझे रुचि हुई, मैं लेखन में सक्रिय रहा, लिखता गया, तो अब मुझे इसी चीज़ में रुचि हुई, तो मैं अब यही कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा भी लग गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। आप गद और पद लिखते हैं जैसा बात है, आगे जो फिल्म की इंडस्ट्री है वहाँ भी कहानियाँ लिखी जाती है, जैसा आप भी कहानी लिख रहे हैं, तो आगे आपकी जो भविष्य में होगी आप फिल्मों में भी कहानियाँ लिखेंगे? मैंने एक्टिंग सीखा है तो मैं अभी एक साउथ फिल्म में भी काम करने वाला हूँ। अरे वाह, तो मेरी फिल्म आ रही है, वो 15 अगस्त तक में आएगी, यूट्यूब चैनल पर आएगी, तो फिर मैं कहानी लिखता हूँ। एक राइटर का जो ना, मतलब जब फिल्म की कहानी होती है, संवाद कोई अलग लिखता है उसका कहा, जैसे मैं एक लेखक हूँ तो मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, अगर उसे किसी डायरेक्टर को दिखाऊँ, उसे अच्छा लगेगा तो वो बाकी चीज़ें वो कर सकता है, तो आप उसको करेंगे आगे? हाँ जी। चलिए, आज की युवा पीढ़ी हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो साहित्यकार बनना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? अगर किसी को इस चीज़ में रुचि है, साहित्य में लिखना, तो आए,
बाकी दूसरी चीज़ का भी जो काम कर रहे हैं अपना, जो उनका बिजनेस या कुछ और भी बनना चाहते हैं वो भी करें, ये भी करें। इस चीज़ में इसलिए स्पेशल रूप से ये नहीं आए कि यहाँ आके बहुत नाम हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा, ये चीज़ें गलत है। साहित्य पैसे की विषय नहीं है, ये एक अलग विधा है। जैसे आप पैसे नहीं कमाए मगर नाम और शोहरत तो कमा रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर क्या चाहेंगे कि दर्शक भी इसी तरह नाम कमाए, फेम कमाए, लेकिन पैसे कम है, पैसे को नहीं देखे, पैसे को नहीं देखे, पैसे को देखेंगे तो फिर उनकी रुचि खत्म हो जाएगी, फिर वो नहीं लिख पाएंगे इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ भी। ये थे गौतम केशरी जी जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे हमारे एडिशनल टॉक्स चैनल में। एडिशनल टॉक्स चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे आप मोटिवेशन होकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, जिन जिन विधाओं में आप जाना चाहते हैं। आप में अगर नेगेटिव थॉट है तो इस चैनल के माध्यम से आपका नेगेटिव थॉट जो है दूर हो जाता है, और एडिशनल टॉक के माध्यम से आप उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जिस शिखर के आप हकदार होते हैं। तो हमारे बीच में थे गौतम केशरी जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आगे वो फिल्म में अपने करियर को बनाएं, फिल्म लिखें, कविताएं लिखें। फिलहाल दर्शकों आप यूं ही बने रहें, देखते रहें एडिशनल टॉक। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्ड धारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गुंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।